मैं रिया पटवा आज आपके लिए लेकर आई हूँ वेट लॉस मैगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वेट लॉस मैगी। जैसे कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सेट है कि मैगी से वेट गेन ही होता है और बहुत सारे लोगों को क्रेविंग होती है और वो मैगी नहीं खा पाते, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मैगी लेकर आई हूँ जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा और साथ ही साथ अपनी क्रेविंग को भी दूर कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं 2 आटा मैगी का छोटा पैकेट ले रही हूँ। ये 4 पर्सन के लिए मैं मैगी बना रही हूँ। और सबसे पहले मैं एक बर्तन में पानी लूँगी और उसमें ये दोनों पैकेट डाल दूँगी बिना इसका मसाला डाले, यानी इसका मसाला मैं अभी नहीं डालूँगी, इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और ये देखिए मेरी मैगी जो है उबल चुकी है अच्छे से। तो अब दूसरी तरफ जो है मैं एग ले रही हूँ प्रोटीन के लिए। यहाँ पर मैंने 6 एग लिए हैं और मैं ये एग को बॉईल करके इसका जो येलो वाला पार्ट है वो निकाल रही हूँ। सिर्फ वाइट वाला पार्ट ही मुझे चाहिए, यानी कि एग वाइट ही मुझे चाहिए। तो मैं सभी एग्स को कट कर लूँगी। एग वाइट मेरे रेडी हैं और अब मैं कुछ सब्जियाँ काट लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 ऑनियन, 1 कैरेट और थोड़ा सा मैंने लिया है फ्रेंच बीन्स, थोड़ा सा कैबेज और थोड़ा सा कैप्सिकम। यहाँ पर मैं एक पैन लूँगी, उसमें 1 टेबल स्पून मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ और अब इसमें मैं डालूँगी आनियन। उसको थोड़ा सा हल्का सा ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। बहुत हल्का सा फ्राई करने के बाद जितनी भी मेरी वेजिटेबल्स हैं मैं उसमें ऐड करूँगी, लेकिन बहुत हल्का हल्का फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी क्योंकि सब्जियों के साथ भी ये भून जाएगा। अगर मैं ज़्यादा भून लूँगी तो ये जो है एकदम काला हो जाएगा, जल जाएगा। हल्का सा ही भूनने के बाद मैंने जितनी भी सब्जियाँ कट की थी वो सभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और बस धीमी धीमी गैस पर इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। इतना भूनूंगी कि बस उसका कच्चापन जो है वो निकल जाए, बहुत ज़्यादा मुझे गलाना या पकाना नहीं है, ताकि जो है मैगी में जो एक क्रंच आता है वो इसमें बना रहे। अब मैं यहाँ पे डालूंगी हिमालय पिंक सॉल्ट 1 चम्मच और जो मैगी का टेस्ट मेकर था जो मैंने 2 पैकेट लिए थे वो 2 पैकेट के टेस्ट मेकर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं लिए हैं क्योंकि टेस्ट मेकर अपने आप में एक बहुत ही स्वादिष्ट मसाला रहता है और इसके डालने के बाद जो मैगी का स्वाद निखरता है उसकी तो बात ही क्या है। आप टेस्ट मेकर को ज़रूर डालिएगा, इससे ही जो है घर में बच्चों को बड़ों को सबको मैगी पसंद आती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाल मिर्च ले रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा स्पाइसी पसंद है और बस ये मसाले सब इसमें मैं अच्छे से मैश कर दूँगी। और अब मैं ले रही हूँ एग वाइट, जो मैंने 6 एग वाइट लिए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से सब्जियों के साथ मसालों के साथ मैश कर दूँगी ताकि जो है मसाले इसमें से अच्छे से रम जाए। देख सकते हो अच्छे से मसाले में। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने बॉईल किया था मैगी को वो ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसमें मिक्स करना है मैगी। मैगी को बहुत कस के मत चलाइएगा, हल्के हल्के हाथों से चलाइएगा ताकि जो मैगी है वो टूट नहीं जाए, एग नहीं टूटे आपका। ये ऐसे ही मैगी खड़ी खड़ी खिली खिली जो है वही मैगी बहुत अच्छी लगती है। तो उसे मैश करिएगा लेकिन बहुत आराम आराम से, धीरे धीरे से। तो देखिए तैयार है मेरी वेट लॉस हाई प्रोटीन एंड फाइबर मैगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल रिया पटवा को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगर आप लोग भी मेरी तरह फूडी हैं और आपको भी बहुत अच्छा अच्छा यमी खाने का मूड होता है, क्रेविंग होती है, तो आप बेशक खा सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप इसकी क्वांटिटी कितना ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं। मैं यहाँ पर 1 कटोरी जितना यानी 150 ग्राम से थोड़ा सा कम समझ लीजिए, 125 ग्राम जितना मैगी ले रही हूँ, यानी उसमें एग और फाइबर सब आ गया। एग जो है यहाँ पे हमें प्रोटीन दे रहा है और जितनी भी वेजिटेबल ऐड करी है वो हमें फाइबर दे रही हैं, यानी ये बहुत ही अच्छा मील है। और यहाँ पर मैंने सादा वाला मैगी नहीं यूज़ किया, आटा मैगी यूज़ किया है, तो तीनों ही चीज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं देगी। अगर आप डाइट कर रहे हो तो आप इसे आराम से इंजॉय कर सकते हो। आपको ध्यान बस यही रखना होता है कि आप जो फाइबर है, प्रोटीन है, वो इनटेक हो रहा है कि नहीं। मॉर्निंग के टाइम पे प्रोटीन जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपकी क्रेविंग भी दूरी हो जाएगी और साथ ही साथ आप मैगी को भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।